दोस्तों हाल ही में सैमसंग ने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री आरंभ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिणी कोरिया के प्रधानमंत्री मून जेई इन के द्वारा 9 जुलाई 2018 को सेक्टर 81 में इस फैक्ट्री का जो है उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इस घोषणा के हो जाने के बाद अब नोएडा का जो नाम है वह मोबाइल बनाने वाले शहरों के नक्शे में सबसे ऊपर आ गया है और चीन और अमेरिका के शहर अब उससे काफ़ी पीछे रह जाएंगे। दोस्तों यह जो फैक्ट्री है यह 35 एकड़ में फैली है और यह 35 एकड़ में फैली सैमसंग की फैक्ट्री से 70,000 लोगों को जो है रोजगार मिल सकेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में कि इस फैक्ट्री की विशेषताएं क्या हैं और इससे हमें क्या लाभ होगा, तो बने रहें दोस्तों वीडियो के आखिर तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस नई फैक्ट्री की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों भारत में सैमसंग कंपनी अभी 6.7 करोड़ स्मार्टफोन बना रही है और इस नई यूनिट के शुरू हो जाने पर तकरीबन 12 करोड़ मोबाइल फ़ोन बनाने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों नई फैक्ट्री में ना सिर्फ मोबाइल बल्कि सैमसंग के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे रेफ्रिजरेटर और फ्लैट पैनल वाले टेलीविज़न का उत्पादन भी जो है डबल यानी कि दुगना हो जाएगा और कंपनी जो है इन सारे सेगमेंट में अग्रणी की भूमिका में बनी रहेगी। दोस्तों मौजूदा मोबाइल फैक्ट्री 2005 में लगाई गई। जून 2017 में दक्षिणी कोरियाई कंपनी ने 4,915 करोड़ रुपये का इस कंपनी पर निवेश किया था। दोस्तों कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में दुनिया के मानचित्र पर सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री होने का टैग चीन, दक्षिणी कोरिया और अमेरिका के पास नहीं बल्कि राज्य उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा के नाम होगा। चलिए जानते हैं कि इस फैक्ट्री से क्या लाभ होने वाला है। दोस्तों सैमसंग वर्तमान में अपना 10% उत्पादन भारत में करती है और अगले 3 सालों में वह इस आंकड़े को 50% पर ले जाना चाहती है। नए प्लांट से सैमसंग को मार्केट तक पहुंचने में कम समय लगेगा, साथ ही वह सार्क देशों में अपने निर्यात को भी बढ़ा सकती है। इस फैक्ट्री के खुलने से लगभग 70,000 लोगों को जो है इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न रोजगार जो है प्राप्त हो सकेंगे, जो कि इस कंपनी का सबसे बड़ा लाभ रहेगा। चलिए जानते हैं इसके पृष्ठभूमि यानी कि इसके बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों भारत में सैमसंग के 2 प्लांट नोएडा और तमिलनाडु में जो है श्री पेरुम्बटूर में है। इनके अलावा नोएडा में 1 डिजाइन सेंटर और 5 रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर हैं। देश में 1990 के दशक की शुरुआत में पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण केंद्र स्थापित हुआ, जिसमें 1997 में टीवी बनना शुरू हुआ तथा मौजूदा मोबाइल विनिर्माण इकाई जो है 2005 में लगाई गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना सैमसंग की जो फैक्ट्री है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री है, जो कि हाल ही में नोएडा में खोली गई है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या लाभ हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल नॉलेज वाणी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर